जी गंगा लेके आयल बा भोजपुरी इतिहास के पहला रियलिटी शो मेम साहब नंबर वन चलनी के चालल बउनी जे में यूपी बिहार झारखंड से चुना के आयल 16 बबुनी लोग के बीच हुई मीम साहब नंबर वन की ताज पावे खातिर ऐतिहासिक टक्कर। ई सफर में बबुनी लोग की बसेरा हुई गुजरात के डायमंड सिटी सूरत के आलिशान गंगा भवन जहां हुई सुख सुविधा के सारा इंतजाम। पर ई सुख सुविधा पावे खातिर कदम कदम पर हुई बबनी लोगन के व्यक्तिगत पारिवारिक और समाज गुणन के अग्नि परीक्षा और करे के पड़ी संघर्ष। बाप रे बाप, ई काम कभी कैले रहलू घरे पे। देखल हुई रोमांचक कि कौन बबनी हुई हैं जिनके मिली 5 लाख के इनाम और मेम साहब नंबर वन चलनी के चालल बबुनी के ताज। नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। हम आप सब के आपन, आपके प्यारा, आपके दुलारा, आपके आंख के तारा प्रदीप पांडे चिंटू। और जी गंगा देख रहे सभी दर्शकन के स्वागत करता नी भोजपुरी टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे अद्भुत रियलिटी शो जौना के नाम है जी गंगा प्रेजेंट्स मेम साहब नंबर वन चलनी के चालल बबनी। अरे जिला जवार में मचल बाई सोर, लईकी चाही भरल गुनावा से पोर पोर। अरे जिला जवार में मचल बाई सोर, लईकी चाही भरल गुनावा से पोरे पोर। चाही रूप प्रीति प्रीति हुनर पे बजेवे सिटी, चाही रूप प्रीति प्रीति हुनर पे बजेरे सिटी। इंट्री मारते बुझाई पिया सर्वगुण संपन्न, जे कहाई इहे पिया मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब नंबर वन, चूंकि बबनी लोग बा कुंवर और हमनी लोग के देखे के बा इनके हुनर और दुल्हन वाला संस्कार, ऐसे हमनी के साथ जुड़ल बाड़े कलाकार जे बनी इनकर सास ससुर और परिवार। और बबनी लोग सब ठीक बा? बबनी लोगन के हो सकता सास से कान खिंचाई। अच्छा, कंधा दबा दे, गला दबा दे, तो ये भी हो सकता कि ससुर जी बिल्कुल पिताजी जैसन बतियाई। भगवान की भक्ति के भाव बा, बहुत बढ़िया प्रयास बा। 16 बबुनी के आपस में सखी सहेली बनाता रही या खींचा तानी करता नहीं। सब मनोरंजन और टशन दिखी 13 हफ्ता के यात्रा में, जगरा आखिर में हमनी सब के मिल जाई है सर्वगुण संपन्न मेम साहब नंबर वन चलनी के चालल बबुनी। और 13 हफ्ता ही का है, काहे कि हम बानी माधुरी दीक्षित के दीवाना और हमरा पसंद बाबू है 13 वाला गाना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूँ, हाँ 13 करूँ गिन 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 के। इंतजार 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 कौना बात के, आए मिलल जाओ अपना 16 बबनी लोग के और देखल जाओ उनकर तेवर। ता डीजे वाला बाबू बजा दा कजरी विद चिंटू वाला फ्लेवर। हम बानी प्रिया रघुवंशी लखनऊ से, हम एक भरतनाट्यम नृत्यांगना बानी।
और हमके अपने संस्कृति से जुड़ल रहल बहुत अच्छा लगेला। हम जब छोट रहनी तभी हमार पिताजी ये दुनिया में ना बाड़न। बहुत कम उम्र से हम आपन ता आपन और घर का भी जिम्मेदारी उठैले बानी। हमरा के लगत है कि हम सर्वगुण संपन्न बानी ई शो जीते खातिर, और हम मेम साहब नंबर वन के प्लेटफॉर्म पे आपन यही गुण रहुआ लोगन के दिखाई। जब हम एंटर भईनी तो हम तो ना सोचले रहनी कि कुछ ऐसन होई या ऐसन हमार वेलकम होई। इतना भव्य स्वागत भइल कि देख के पहले तो लगल कि अब तो मतलब बहुत अच्छा जगह आ गई, नहीं कि अब तो मजा आई जिंदगी में। हमार नाम प्रिया सिंह बा, हम जमशेदपुर झारखंड से बानी। हम मेम साहब नंबर वन में आइल बानी अपना आपके साबित करे खातिर, तो हम अपने आपके देखे आइल बानी कि हम सर्वगुण संपन्न बानी कि ना। हम इनमें पूरा विश्वास करेंगे कि इंसान के जिंदा दिली, खुश दिली और अपन अंदर के बच्चा के हमेशा जगाए के रहे के चाहिए। तो हम इन्हे सपना लेके आइल बानी मेम साहब नंबर वन में, और हाँ, हम मेम साहब नंबर वन जीत के ही जाए। एगो के डांस हमरा के बहुत अच्छा लागल, माधुरी जी नाम रहे उनकर, मस्त डांस करत रही, तो उनके साथ हमरा बॉन्डिंग अच्छा हो गई कि हम दोनों मिल के खूब डांस करने जा। दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा। हम हैं माधुरी कश्यप और हम जिला बस्ती से आए हैं, और हमार हॉबीज कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड रीडिंग है, और हम माधुरी दीक्षित मैम की बहुत बड़ी फैन है। माधुरी दीक्षित मैम हमने के अच्छा ऐसा लागे ली काहे कि वह अपन निजी जिंदगी और अपन फिल्मी जिंदगी दोनों बैलेंस के साथ लेके साथ चल रही। हमरा के भी लागत है कि हमरे अंदर भी माधुरी मैम जैसन गुण बाटे और उनकी तरह हम सर्वगुण संपन्न हैं। वही कला के तरासे करते हम आवत हैं मैम साहब नंबर वन में। हमर नाम प्रिया चौधरी छे, हमे जमशेदपुर से छे। हमर नाम श्वेता झा छे और हम जिला मधुबनी एगो छोट गांव गोगड़िया से छे। प्रणाम सभी के, हम प्रिया यादव, हम रहे वाला हैं ओडिशा राउरकेला के। हमार नाम आरती है, हम सहरसा बिहार से बनी, बाकी लोग हमके खुशी के नाम से भी जाने। नमस्कार प्रणाम, हम हैं वंदना गुप्ता हा, लेकिन लोग हमरा के जानेला वन ऑफ दी ग्रेट के नाम से। गर्मी कितनी तुझ में रोटी खाती तू किस आटे की। वैसे हम बाय प्रोफेशनली कोरियोग्राफर बानी, हम अकेले रहनी अपना दम पर सब कुछ कहनी बिना कोनो सपोर्ट के। जब हम इतना कर सके नी और यहाँ तक आ सके नी तो हमरा के लागे ला कि हमरा में ओ गुण बा कि हम सर्व गुण संपन्न मेम साहब बनने के काबिल बानी।
जब हमने एंटर किए वहाँ पे हम देखनी एक लड़की के बोले ली कि हमने के ना वन ऑफ द ग्रेट बोली, वंदना ना बोली। उनका डांस भी ना हमको एक अलग लेवल का लगा और अजीब ही बिहेव भी कर रही थी वो उस टाइम, तो हमको लगा कि क्या कर क्या रही है। हम छे ज्योति ठाकुर, हम रहे वाला छे मधुबनी बिहार के। हम शुरू से ही जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो हमको मतलब हर बहन से कंपेयर सब करते थे और हमने के हमेशा ताना मारे छे कि तू कमजोर छे, तू आलसी है, तू कामचोर है। और हमारे पापा हमने के कभी उस सपोर्ट ही नहीं करे। हम यही कारण अपने गुणों के दिखावे खातिर मेम साहब नंबर 1 में आयल बानी, ताकि हम अपने पापा और अपनी मम्मी को ये बता सके कि हमारे अंदर भी वो गुण है और प्लीज उसको भी सपोर्ट करो और हमको भी सपोर्ट करो पापा। इतना डांस, इतना नाच कि मतलब एगो लड़की तो हमके धक्का मार देलक। हम बोली भाई कोई नहीं के, हमके भी नाचे आवेला, रुक हम तो के दिखावतन। हम जब स्टार्ट भइली, कैमरामैन हमार आगे पीछे आगे पीछे। हमार नाम ज्योतिका पासवान बा और हम बिहार गया जिला के बनी। हम बहुत हसमुख बनी, हम आसपास के माहौल के हसमुख बना दिला और हम अपन दोस्तों लोग के जान बनी। हमरा के डांस करल बहुत पसंद बा और साथ ही साथ एक्टिंग करल भी बहुते पसंद बा। हमार बड़ दीदी कहलन कि बाबू नी का करबू, कुछ करे के बा कि ना, तो ऐसे कुछ भी ना हो। बट आज इस शो में हम उनके दिखा दें कि हमसे सब कुछ हो जाए। घर के हर एक काम, गृहस्थी संभालल, सब कुछ हो जाएगा और उनके प्रूफ कर दें कि हम एक चलेनी के चालन बबुनी बने। हमार नाम है सुमन प्रसाद। हमार नाम है मधु प्रसाद। हम बिहार के राज्य पटना में रहने और मेन बात हमने के ये बा कि हम दोनों बहने हनी जाए। ऐसे तो दोनों बहन हम लोग साथी में रहे नहीं जाए, लेकिन मेम साहब नंबर 1 शो पे एक कॉम्पिटिटर के हिसाब से आयल बने जाए, एक चुनौती के साथ। हम दोनों बहन के डांस बहुत पसंद बा और हम चाहते नहीं मैम सर नंबर 1 के शो हम जीत के जाए। जीते थे या हम भी आयल बनी और अपन इंडिविजुअलिटी प्रूफ में आयल बनी, जो कि हम प्रूफ करके दिखाए और ये खिताब हम जीत के ही जाए। वो तो बात बताई। हमारा नाम है एकता गुप्ता और हम आयल बनी बेतिया जिला से। हम जर्नलिज्म कैले बनी और साथ ही साथ में हमरा एक्टिंग कैल बहुत ही ज्यादा पसंद बा। केकर तलवार पे सर रखी ई बता दी हमें, इश्क करल अगर खता बा तो सजा दी हमें। मेम साहब में आवे के रीजन हमार सिर्फ एक बार कि एक्टिंग के अलावा भी हमरा अंदर और भी गुण योग्यता बाटे और दिखा दे हम ही है मेम साहब नंबर 1 और ई शो के खिताब और ताज तो हम ही लेके जाए। हमारा नाम सृष्टि है, हम बिहार के छपरा जिला के रहे वाला है। हम अपन जौन भोजपुरी के लोक गीत जन हमने के विलुप्त हो परंपरा बा, ओकरा से संबंधित हम रिसर्च कर रहल बानी, ओपर हम गायकी कर रहल बानी। थारे गंगा जी में टिकवा झलक की गईले। हमरा खुश रहे खातिर दोस्तन के जरूरत बहुत कम पड़ेला, कैसे कि हमार संगीत ही हमार सबसे प्रिय मित्र बाटे। और हमरा लागत है कि इस शो के माध्यम से हम अपन गुणन के और भी बढ़िया से बढ़िया तरीका से तराश सकत हनी और हमरा लागत है कि एगो हम प्रबल दावेदार बने जा रहल बनी बिग मैम साहब के शो पे। कोशिश रही कि इस शो के हम ही जीती। हमार नाम बा चांदनी सिंह और हम जिला आजमगढ़ के रहे वाली है।
हम बतावल चाहब अपना कैरेक्टर के बारे में। तो हमार कैरेक्टर वा एक चुलबुली, एक नटखट और थोड़ी सी शैतान और मसालेदार। और हमरा के सिंगिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बा। और ऐसा कोनो काम ना है जोन हमरा के ना वेला सिलाई बुनाई कढ़ाई। हम आवत बानी मेम साहब नंबर वन बने खातिर और आप सबके दिल पे राज करे खातिर। हमार नाम दिव्या साहू हुआ। हम आइल बानी दिल कहे जाए वाला राज्य मध्य प्रदेश से। बचपन से तो हमारे एक ही सपना रहे कि हम आर्मी में जाएं। और यह एगो वजह बा कि हम अपना आपके फिट रखे ली। शक्ति और नरमी हमार व्यक्तित्व के दुगो ही पहलू बा। जितना ही मजबूती से हम चुनौतियों के सामना कर जाने नी, उतना ही नरमी से हम रिश्ता के निभावल भी जाने नी। बाकी हम बबनी लोग से एगो बात कहल चाहत बनी कि हमरा से तनी बच के रहिया जा। हमरा अंदर गुण के कमी तो नहीं खे, तो हम अपन ई गुण से रउआ लोग के दिल के करे आल बने विन। हमरा के कहल जाला भोजपुरी क्वीन। सब कोई अपने धुन में एकदम खो गए रहा। वही बीच चिंटू पांडे जी का एंट्री भाई। और देखते हमरा के इतना मतलब खुशी के मारे एकदम गदगद हो गए। और फर्स्ट टाइम आके समय देखे ना बहुत अच्छा लगा। ऐसे सच में हीरो लुक भयंकर बहुत सुंदर वाला। हम उनका बहुत बड़का फैन रही है। और हम सामने से देखा रही तो है दिल में किछो किछो हुआ लागल हमरा। कुछ कुछ लेके ऐसे रही कि देख के मतलब बोले कि ना चाहिए पर फ्लर्ट करे के स्टार्ट कर देने के। हाय सर ई मतलब हाँ सबके क्रश होके लन टीवी पे आवे लन पर तनी से मेंटेन करे के चाही लोगन के। चिंटू सर के जब एंट्री भइल तब तो मतलब धमाल मच गइल। काहे के जो हमनी के थकान रहे गो सारा उतर गई। आप सब बबनी लोग के प्रदीप पांडे चिंटू के तरफ से बहुत बहुत नमस्कार बा। प्रणाम प्रणाम नमस्कार और स्वागत बा भोजपुरी के इतिहास के सबसे बड़ रियलिटी शो जी गंगा प्रेजेंट्स मेम साहब नंबर वन चलनी के चालल बबनी में। और साथ ही साथ स्वागत बा संस्कार के माटी से बनल गंगा भवन में। तो सबसे पहले हम ये पूछल चाहे हम अपना घर से जब कभी बाहर निकले नहीं तो हमर माई हमरा बैग में ठेकुआ निमकी अचार चिप्स मालपुआ जौन भी कुछ रहला भूजल चिवरा सब भर के भेजले हमरा बैग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप सब लोग हमरा खातिर का लेके आएल बानी? ठेकुआ। ठेकुआ बा? हाँ। चला ठेकुआ तो फिक्स। गुजिया 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 हाँ सेव एप्पल एप्पल मकई के चूरा वाह नमकीन। लेकिन सर एगो चीज हम कहे के चाहब कि ऐसे भी होला कि घर वाला ही कहला कि लुका के खइए बहुत दिन रहे के बाद आपन कोई के मत दिए तो कोनो बात ना हमके लुका के दे दिया आम हो लुका के खा ले। ठीक बा। सबसे बढ़िया बात ये बानू कि ऐसा ना लगल कि कोई हीरो हमनी के सामने बात कर रहे ताड़न। एकदम फ्रैंक रहन हमनी के एकदम कंफर्टेबल जोन में रखले रहन। तो अब हम जानल चाहब आपसे कि किताब लेवे खातिर का ऐसा तैयारी कैले बानी और का ऐसा आपके मन में चला था कि हम सबसे बेस्ट बानी सबसे बेहतरीन बानी। हम अपन संस्कृति के बारे में जितना हो सकेला उतना नॉलेज लेके आयल बानी। सबसे बेस्ट है ई बा कि हमरा के सर्वगुण संपन्न लड़की एगो मेम साहब नंबर वन चलनी के चालल बबुनी के खिताब मिली। वाह। तो यही से मधु और सुमन आप दोनों जन बहन है? हाँ बहन है। तो दोनों जन्म से वो मेम साहब नंबर वन के बने के ज्यादा इच्छुक बा या के चाहता कि हम? अच्छा दोनों जने लेकिन अवार्ड तो एक ही बा। बहिन के झगड़ा देखे में ना हम लोगों में बहुत झगड़ा होता है। बहुत झगड़ा होता है तो आप सब एकदम सही जगह आयल बानी। काहे के जा झगड़ा बिल्कुल ना करावल जाए।
एजा प्रेम सिखावल जाई, एजा आप सबके उ सीख मिली जे आप सबके सर्वगुण संपन्न नेम साहब नंबर 1 बने के किताब मिली। तो तैयार हो जाई हम बताओ तनी, एगो औरत के जीवन की यात्रा 3 चरण से होके गुजरेला, और ये 3 चरण के सफलता पूर्वक पार कैला के बाद ही एगो औरत सर्वगुण संपन्न मानल जाली। तो पहला चरण बा स्वाभिमानी बबुनी के। ई चरण में आप सबके अपन व्यक्तिगत हुनर जैसे कि खाना बनावे के कला, कढ़ाई बुनाई सिलाई इत्यादि इत्यादि परखल जाए। दूसरा चरण बा खानदानी बबुनी, जैसे कि सास से बतियावे के कैसे, ससुर के सेवा कैसे करे के, होखे वाला पति के मन के बात के कैसे समझे के, छोट लैकन के कैसे संभाले के। ये चरण थोड़ा सा कठिन हुई। और तीसरा और सबसे कमाल के और सबसे मुश्किल चरण बा लोक लुभानी बबुनी, काहे कि ये चरण में आप सब लोग के समाज के दुनिया के समझे के बा, आपके समाज के प्रति का नजरिया बा ये आप सबके सामने लावे के बा। ये सब सुन के फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे मन में नर्वस फील होइल कि अब स्टार्ट भइल बा असली परीक्षा। पहला हफ्ता शुरू हो चुकल बा। बाद जब हमने के खाना खाए के बारी आए तो हमने के गंगा भवन में एंट्री भई। एकदम गंगा भवन जैसन फील आई, जैसन नाम रहे वैसने एकदम शानदार आलीशान। मन इतना खुशहाल भई, इतना खुशहाल भई क्योंकि हम वो टाइम ई लागल छे कि हम रानी छिए। जब खाना स्टार्ट भई तो पहले तो लोग एक दूसरे के ऐसे ऐसे झाके थे। काहे धके गए नी, कैसे खाता कोई लड़की चम्मच से खाता तो केहू के खाए पसंद ना आता, और हम अपन 5 उंगली डुबई ली स्टार्ट कर ली। हम तो अपन हाथ से खाए चलिए और लड़की सब पर नखरा देख लिए। हे भगवान, एक महारानी दलन जिनका नाम बस चांदनी चांदनी, बाप रे बाप उनका तो बात ही अलग। ओ तो बाप रे बाप, इतने ज्यादा नखरा करे चले की हम हाथ सीखे। हमार तो व्रत रहे सोमवार, तो हमारा खातिर दूध रखल रहा, और जब हम दूध पिए लगनी तो सबका के नजर हमारे दूध ही पर। झूठो बोल रहे छे, बाहर तो ही कुछ ना कुछ पूरे दिन खाए रहे छे, और जब टेबल पे बैठनी तो बोलत रही कि हमार फास्ट छे, तो हमने के लागल कि क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो। हमारा के कुछ बबुनी है ऐसा जे देख के बहुते ज्यादा चिड़े नी, हमरा मुँह पे दी 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 दी, हमरा पीठ पीछे इतना बुराई, समझ में ना आला कि काहे हमरा से लोग इतना चिढ़ेला, काहे जलन बा हमरा के तहीं पता नहीं। जैसन खाना के प्रेजेंटेशन रहे एकदम आलीशान सुंदर, वैसने खाना रहे एकदम स्वादिष्ट एकदम परफेक्ट। खाना खा लेनी जा, अब अपने अपने रूम में चलन जा। चला, चला, जब हम प्रवेश कैली गंगा भवन में तब बहुते अच्छा सोफा तकिया ड्राइंग टेबल सब कुछ के व्यवस्था रहलो। रूम तो मतलब आलीशान, हमनी के का डेकोरेशन रहे, का बेड एसी, मतलब मजा आ गया देख के, बहुत मजा आयल देख के, सच में मन खुश हो गया। लेकिन विला एक रहे, कमरा 4 रहे, और हमन 16 जनी रहनी, तो कोई नीचे कोई ऊपर कोई फिरोके ऊपर,
तो हम सबसे ऊपर टॉप वाले पर हम गए। हम सभी जने सोचल गए कि हमन अब यही रह जाए क्योंकि बहुत ही बढ़िया लगत रहे। हमनी यहाँ से चल जाए। हाँ हम भी चलो। कोई जा और अच्छा रहे सेकंड फ्लोर पे, कहे कि रूम से जुड़ा हुआ बालकोनी रहे और बड़ा सुंदर रात लागत रहे और एकदम खुलल रहे आसमान, बाहर के वेदर मस्त और लोकेशन एकदम शानदार, हरा भरा पेड़, एकदम हवा आवा था। वाओ, बहुत अच्छा जगह बानू, बहुत लाइफ में पहली बार देखे, एकदम मस्त बा। ओकर बाद जब नीचे आई नहीं तो पता चलल कि लोग अपन रूम लूटा था। एक बुक बा इधर केहु ना आई, बाल इधर केहु ना आई, सब एक दूसरे से काहे किचर कि कौन कहाँ सुती कौन कहाँ रही। अरे भाई हम तो देख के चकरा गए। का करे के बाप। अरे हम लोग को बेड बेड नहीं मिलेगा, हम लोग को रूम नहीं मिलने वाला ऐसा में। वो हम लोग को सोच में पड़ गए नहीं, जैसे हम लोग को कहाँ जाना बा। फिर सोचने की पहला दिन बाद झगड़ा लड़ाई करके कोई फायदा नहीं के। रूम द्वारा झगड़ा कर छे, इतने बड़का रूम छे कि रूम द्वारा झगड़ा कर छे, इतने ओवर रिएक्ट है रब्बा, नागिन छे नागिन सब डस्ट। अचानक से ऊपर गई नहीं देख लीजिए, एगो कमरा पूरा खाली रहला और हमने के अच्छा कमरा मिलल। जैसे हम अंदर गए नहीं वैसे ही हमारा एगो पार्टनर मिल गई है, जाके हमारा बहुत कॉपरेट करते रही और पहले से ऐसा लगा ला कि हमारे दोस्ती होके वाला बा। तो घुसते ही हमने को बिना जान पहचान के ही खाली नाम पता रहला चांदनी, ओकर साथ हम बहुत ही खूबसूरत लागत रहा ऊपर। सुमन जी के और हमार बॉन्डिंग कह जला ना एक बहन के बा, वो हमरा के छोट बहन माने नहीं और हम उनका के दीदी हमेशा बोली ला। हमन जानी सब कोई बैठ के ऐसे बात करते रही तो बेल बजल। हम सब कोई दौड़ के नीचे गईली जा तो पता चलल कि चिंटू जी के कुछ मैसेज आल बा। रउआ सब बबनी खातिर बा एगो खास संदेश, कुछ ही छड़ों में होखे वाला बा प्रांत प्रतिष्ठा, कला के प्रदर्शन बढ़िया और मनोरंजक होके की चाहिए, कहे कि ओकर जज केहू और ना बल्कि होई है राउर होस्ट आपन चिंटू पांडे जी। अब कोई तो ये सोच के ना आयल रहे अचानक से यह मिल जाये, ये तो क्यों ना सोच ले रहे, बड़ा सरप्राइजिंग रहे, बड़ा शॉकिंग रहे हमन बदे। ऐसे ऐसे करके हाँ ऐसे ऐसे वाला स्टेप सोच ले बानी। बढ़िया बा बढ़िया बा। फटाफट हमन सब कुछ अपन आराम धराम छोड़ के और डांस तैयार करल शुरू कर देंगे जे जैसे कई पैलस। हमन हमन कजरी करत ही ना तो कजरी में यही सब स्टेप आई। ये खुशी हमरा तो बहुत डर लागत हो, कुछ ना हो करी। ए यार हमरा तो स्टेप हो या नहीं क्या होती। दीपिक दीपिक कौन हो वैसे के 1 2 3 सब अपन अपन कोशिश में लगल रहा और हम भी लगल रहे खूब मेहनत करल रहे अपन परफॉर्मेंस के बेस्ट बनावे तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 का बात सारे भाई तो बिल्कुल माधुरी दीक्षित नहीं है नाच रहे का बात बा। श्वेता जी हमने के पास आई और बोली कि बताओ बताओ अहाँ का कर रहल छे, तो हम बोले कि हम तो डांस करेंगे, तो हम पूछे रहे कि अहाँ कथी करब, तो वो बोले रहे बड़े स्टाइल में कि हम तो सिंगिंग करेंगे, हम तो सिंगिंग से चिंटू सर को इम्प्रेस करेंगे। मेरे को तो गाना गाना है ना। हाँ तो गाओ ना। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धा, मनन आया ची राजा जनक के गाम। तैयारी हम बहुत नीक से केलिए हन और एखन हम रिहर्सल करे छलिए ज्योतिका के साथ, वो सब बहुत ज्यादा बढ़िया छे, बहुत ज्यादा मोटिवेट करे छे और झगड़ो कै लेलके, कोनो बात नहीं बच्चा छे माफ करिए, क्योंकि एखन फर्स्ट दिन छे, दोसर दिन में ओकरा सबके पता चलते कि हम की छे। पटना से भैदा बुलाई द बहुत हमने को बहुत प्रैक्टिस भी कही नहीं जा और लग गए नहीं जा, बस प्राण प्रतिष्ठा के अपना बेस्ट देवे खातिर। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम सब एक हॉल में गए वहाँ का जो हॉल था बहुत ही सुंदर था, वहाँ की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी। सब एकदम देवसेना बन के आ गए।
खाना वाना सब बढ़िया रहे? सब बढ़िया बढ़िया रहे एकदम बहुत सुंदर। हाँ काहे कि आप सब खातिर स्पेशली तैयार कर गेल रहे, वैसन पकवान वैसन पूरा तैयारी सब आप सब खातिर रहे। अब जैसे कि आप सब लोग एक दूसरा के संगे टाइम बिता ले बानी, एक दूसरा के जाने लगनी है, सखी सखी बहिन बहिन सब कुछ हो रहा बा, तो सबसे पहले हम ये पूछल चाहे कि उ सर्वगुण संपन्न बबुनी 16 लोग में के बाड़ी। आपन आपन हाथ उठाई जेके लागा था कि वो सबसे सर्वगुण संपन्न बाड़ी। तो अब हम ये बात सबसे पहले शुरू कर चाहे कि कौन प्रतिभागी के ऐसन लागा था कि ऐजा हमरा अलावा जन 15 प्रतिभागी बालो उनमें से सबसे कमजोर यानी के सबसे ढीला यानी के सबसे ऐसन लगे कि शो में डिजर्विंग बिल्कुल नहीं थे। और हम सबसे पहले शुरू करें मधु से। हाँ मधु बताओ केकर नाम ली, अब तक तुम केकर नाम भी सही से जानत नहीं थे। ई वाली नाम क्या है? ज्योतिका। ज्योतिका तो मधु जी के हिसाब से ज्योतिका जी सबसे कमजोर कंटेस्टेंट, सबसे कमजोर बाड़ी। कारण का है? कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं के, नाम भी नहीं के पता, कितना फ्लोर पे भी वो भी नहीं के जानते नहीं। ज्योति के पास में हमरा वो पर्सनली अच्छा ना लागल और देखे में ठीक ठाक ना रह लिया, हमें लागल कि आपसे बेकार आपसे वीक हुई भी आए। तो आपके बात पे का आपके का प्रक्रिया बा? हमरा के जहाँ तक पता बा हमरा के सभी से हमार बॉन्डिंग ठीक बा, बट और उनके लगेला कि हम शायद उनका बेस्ट कॉम्पिटिटर बनी, सही से हमारा नाम लिया गया बा, तो हमरा के बहुत अच्छा लगा। ऐसा बहुत बड़ी गलत फहमी बात है। गलत फहमी नहीं, अगर गलत फहमी हो तो तू प्लीज। ओके चिंटू पांडे के पूछला पर सब दिलस आपन आपन राय और एक दूसरा पर जम के फैल टीका टिप्पणी, केहू पर आंख उठल तक केहू पर उंगली। श्वेता सुमन, सुमन दीदी का है? पता नहीं क्यों अजीब नहीं बात करना और छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेना, तो मुझे लगता है कि मतलब अभी तक बबुनी लोगन के एक दूसरा के नाम तक याद नहीं थे, लेकिन के गंगा भवन में रहे लायक बा के ना ए पर राय बन गई बा। खेल शुरू हो चुकल बा जिमे फंस गई बाड़ी प्रिया यादव। प्रिया यादव तो तनी कमजोर लागत आ रही। प्रिया यादव? प्रिया प्रिया ई लोगन के हिसाब से प्रिया यादव यहाँ रहे लायक नहीं थे। प्रिया यादव जी काहे खातिर? सर काहे के से कि वो हमरा के ज्यादा एक्टिव ना लगे रही। ज्यादा एक्टिव ना लगे? बहुत ही कम बोले रही। अच्छा। मैं सबसे ज्यादा वोट हमरे के मिला कि हम सबसे छोट बानी और ज्यादा घुले ली मिले ली ना, केहू के जाने बिना उनका पर उंगली उठाई ई सही बात नहीं थे। एक दूसरा के काबिलियत पर सवाल या निशान लगावत हमनी के बबुनी लोग खुद कैसे प्रांत प्रतिष्ठा के कसौटी पर खरा उतरी ई देखल मजेदार रही। तो घमासान तो शुरू हो चुकल बा, खाली अब बोलना से अब खाली काम ना चली, अब बोलना अब करके दिखावे क्या। तो आई शुरू कर जाओ प्रांत प्रतिष्ठा। प्रांत प्रतिष्ठा माने कि जे जे लोग अपना अपना प्रांत से आयल बा लोग वो प्रांत के कला विशेष के बारे में कुछ बताई। थोड़ा थोड़ा नर्वस सा फील हो रहा था कि हाँ पहला इम्प्रेशन देना है टिंटू जी के सामने, मैं अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बाकी लोगों ने कैसी तैयारियां की है, क्योंकि सब सीक्रेट था ना, सब चुप चुप के तैयारी कर रहे थे, किसी को पता नहीं था कि कौन किस पे परफॉर्म करने वाला है। और जय हुई सबसे बेहतर ओकरा के का मिली ई तो बेहतर ओकरा के बाद ही पता चले, लेकिन जैसा कि हम पहले ही बतौले रहनी है ई हफ्ता के नाम है शुभ मंगल सावधान। तो सावधानी पूर्वक आप सब लोग ये परफॉर्मेंस की शुरुआत करिए। गंगा भवन के नियम के अनुसार जे बबनी पूरा हफ्ता करी है सबसे अच्छा प्रदर्शन
उनका की मिली शगुन के हसली, यानी के फुल ऑन एकदम महारानी वाला सुख सुविधा ऐशो आराम। बाकी जौना बबुनी के रही सबसे कमजोर प्रदर्शन, वो हो जाई है सीधे सीधे यहाँ से टाटा बाय बाय सायोनारा यानी के विदाई। तो आई शुरू कर जाओ सबसे पहले माधुरी कश्यप जी। हाँ बहुत एक्साइटेड रहे, बहुत नर्वस भी रहे, क्योंकि पहली बार ऑडियंस के सामने कैमरे के सामने अपन के प्रूफ करेगला। तो माधुरी कश्यप जी का करे वाला बनी आप? डांस से सबके गर्दा एकदम उड़ा दे। वाह एकदम। परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहे, कैसे कि उनका हैंड मूवमेंट और फिर डांसिंग टैलेंट उनके बहुत ही अच्छा लगा है। उनके डांस में लचक, एक्सप्रेशन और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रहा। जब माधुरी जी के परफॉर्मेंस देखनी तो हम बहुत ही नर्वस हो गई कि मतलब वो बहुत अच्छा डांस कर लिया, तो हमरा के लागल कि पता नहीं अब हमरा साथ का हो कि आगे हम चाहे कि जे जाई। प्रिया सिंह बबनी जी, आई 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 प्रिया जी। प्रिया जी के एकदम मुस्कुराहट में अपना पॉजिटिविटी बा, बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी बा, बहुत बढ़िया मुस्कान बा, हमेशा ऐसे मुस्कुराहट में क्या करें आज अपना। जैसे ये घर में बच्चा होखेलन तो सोहर गवाला, हर घर में गवाला। हाँ। हम करतनी अब सोहर गाना पे। अरे वाह अपन सोहर पे। बहुत बढ़िया। हम ही के लागल कि हम 100% ना दे पाएंगे शायद, पर पिंटू सर के हमारे गाना पसंद आया रहे, कहे कि हम सोहर पे डांस के ले रहे। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति, गाना से जितना भी भोजपुरी भाषी लोग बा सब केहू के दिल से जुड़ल भाई गाना, सब केहू के आत्मा से जुड़ल भाई गाना। तो आगे परफॉर्मेंस कल जाओ और देखल जाओ ज्योति जी के। Thank you.
आहा एलिए अंधार में जोर भाग केना कहूं आहा के हम सबक सामने यहाँ सब एक पर एक मतलब काटे कर टक्कर देवे वाले लोग हुआ। बहुत ही अद्भुत और कमाल के परफॉर्मेंस रहे, बवाल के परफॉर्मेंस रहे। हमके लागत रहे कि कोनो हीरोइन डांस करत रहे। ओ केना कहूं आहा के हम सबक सामने। चिंटू सर ने बहुत अच्छा हमको कमेंट किया। उन्होंने बोला था कि मैं किसी हीरोइन को डांस करते हुए देख रहा हूं। वो जो कमेंट था मेरे लिए वो बहुत स्पेशल था। खतरा के भी घंटी बजे लागल है परफॉर्मेंस के बाद बहुत सारा लोग के दिल में। आगे हम चाहे कि जे जाई ज्योतिका पासवान जी। आज हम अपन लिट्टी चोखा चटनी के रिप्रेजेंट करम, जे की सभी के फेवरेट बा। हमरो फेवरेट बा लिट्टी चोखा और चटनी। ताई देखल जाओ ये लिट्टी चोखा और चटनी के स्वाद कैसन बा। शुरू कर जाओ म्यूजिक। हरे चैत के महीना के है, ज्योतिका पासवान जब डांस स्टार्ट किया था अपन लोकगीत पे, हम तो सच बोली तुम शॉक हो गए नहीं। ज्योतिका जी जो फड़ली लिट्टी चोखा जो खियली, बस देख के मियाज मस्त हो गई। सबके परफॉर्मेंस देखला के बाद हमके ज्योतिका के परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट लागे। जवन चटनी पिसनी है रुआ, मतलब एकदम पूरा रगड़ के पूरा पीस के जवन परफॉर्मेंस रहा ला, एकदम दिल गदगद हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए अब बढ़ल जाओ हमनी के अगला परफॉर्मेंस की तरफ। ताई स्वागत कर जाओ हमनी के प्रिया रघुवंशी बबनी के। मऊ डांसर रही तब अपन आमने सामने देख के पता चल जाला कि कैसे हमार कंपटीशन रही, चाहे के हमरे बराबरी में टक्कर दी, चाहे के हमसे ऊंच पड़ी, चाहे के हमसे कम पड़ी। हमार नाम है प्रिया रघुवंशी और हम हैं लखनऊ से। आज हम आप लोगन के सामने करे जाते मिर्जापुर का कजरी। वाह, ¡Gracias!
बहुत ही सुंदर और बहुत ही कमाल और बहुत ही मनमोहक। एक बार जोरदार ताली। तो अगला जो हमने के परफॉर्मेंस बा वो परफॉर्मेंस बा सुमन प्रसाद जी के। पटना से बैदा बुलाएगा हो नजरा गईनी गुइया, नजरा गईनी गुइया, नजरा गईनी गुइया, नजरा गईनी गुइया। बार सनेसा चहु पाईदा को नजरा गईनी गुइया, पटना से बैदा बुलाईदा नजरा गईनी गुइया, पटना से बैदा बुलाईदा को नजरा गईनी गुइया। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस हो रहा बा, यानी कि अभी तो ये सिर्फ झाकी है, असली कंपटीशन तो अभी बाकी है। अब जो हमने के अगला परफॉर्मेंस देखे वाला बानी वो बाड़ी ग्रेटो में ग्रेट, यानी कि वानू द ग्रेट और वंदना गुप्ता जी आई। हाय बहुत बढ़िया, बताई वानु जी का परफॉर्म करें रहुआ। हम बानी भागलपुर के भूचाल बबुनी, तो रहुआ लोग देखी और हमार परफॉर्मेंस कैसन हुई तो रेडी रही सब लोग। आहा तो भूचाल बबुनी। भागलपुर के गलिया सोकर गलिया छे है नाना दो, भागलपुर के है गलिया सोकर गलिया छे है नाना दो, और चढ़ा करे Oh,